Hello everyone, welcome to this session. In this session, we are going to discuss about nature of management. In last two videos of business studies, we have already discussed about features and importance of management. So let's start our class with nature of management. So basically in our books, nature of management is categorized in three category. Yeah, management ke jo nature of management hai, usse humne teen category mein divide kiya hai. Hume inhi teenon mein compare karna hai ki management science hai ki arts hai ki profession hai. So basically we have to compare management with these three, as a management as a science, management as an art or management as a profession. So isko aapko padhne ka sabse acha tarika hai ki sabse pehle aap samjhiye ki science kya hai, arts kya hai aur profession kya hai. So once you are able to understand that what is the meaning of science, what is the meaning of arts and what is the meaning of profession, then you can easily compare, then you could easily compare management with these three. तो आप जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि साइंस का मतलब क्या होता है, आर्ट्स का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन का क्या मतलब होता है, तो आप इजीली उसे मैनेजमेंट से कंपेयर कर सकोगे. सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा मैनेजमेंट एज साइंस. ठीक है, तो एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे. तो अगर देखो बेटा, तो सबसे पहले क्या है कि साइंस का अगर आप यहाँ डेफिनेशन देखो तो क्या बोलता है कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स. बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट. तो देखो साइंस क्या होता है बेटा, साइंस में क्या होता है कि आपके पास एकदम सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यहाँ पर आपके पास सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल होता है. ठीक है, उन सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही आप साइंटिफिक जो भी अपना नॉलेज है उसे गेन करते हो. ठीक है, आपके पास फिजिक्स की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है, इसमें पहले से जो है लोगों के द्वारा दिया हुआ लॉस है, तो इस किताबों से ही आप क्या करते हो, अपने साइंस के जो है आगे की पढ़ाई करते हो. तो ये क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. क्लियर है, बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग्स एंड फैक्ट्स. और ये जो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ये बुक से ये कैसे लिखी गई है, ये लिखी गई है बार बार ऑब्जर्वेशन करके, चीज़ों को बार बार देख के, केमिकल का रिएक्शन करके, ऑक्सीजन को और जो है आपके हाइड्रोजन के साथ मिलाने से जैसे पानी बनता है, तो मतलब इस तरह से सारे के सारे रिएक्शंस को देखा गया, उसे बार बार वॉच किया गया, तो उस हिसाब से क्या किया गया, बुक्स में नोट किया गया, तब जाके वो हुआ साइंस. ठीक है, तो क्या हमने फिर से एक बार देखते हैं, साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग्स एंड फैक्ट्स. ठीक है, तो जो भी लॉजिकल ऑब्जर्वेशन थे, जो ऑब्जर्वेशन थे उनको देख के हमने बुक्स में नोट किया, तो ताकि जो है बाद में अब आके जो है लोग पढ़ते हैं उसे कि अच्छा ये रिएक्शन के बाद ये चीज़ हुआ, इस रिएक्शन के बाद ये चीज़ हुआ. ठीक है, तो अब इससे हमें जो है कुछ इसके फीचर्स पता चले. सबसे पहले क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या हमने पढ़ा है आपको, कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में आता है कि साइंस में कई सारे सिस्टमैटिकली स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उन सारे सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल, उन सारे सिस्टमैटिक रिएक्शंस को देख के आप क्या करते हो, अपने नॉलेज को गेन करते हो या उसके बाद की चीज़ों को पता करते हो. ठीक है, अगला क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. ये सारे के सारे जो आपके सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो किताबों में लिखी गई, कैसे पता चला, बार बार ऑब्जर्वेशन करके, बार बार टेस्ट करके. तो ये बार बार टेस्टिंग और ऑब्जर्वेशन जब हमने साइंटिस्ट ने किया, तब जाके उन्हें पता चला अच्छा तो ये रिएक्शन करने से ये चीज़ें होती हैं, तो इन रिएक्शन को बार बार करने से, इन ऑब्जर्वेशन को बार बार करने से जो साइंटिस्ट को पता चला वो उन्होंने लिखा. तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. तो बार बार एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि भैया ये साइंस के प्रिंसिपल आते हैं. और लास्ट में इसका साइंस का फीचर क्या होता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी. तो देखो बेटा, साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं पूरी दुनिया में एक ही है. ठीक है, ग्रेविटेशन का लॉ अगर इंडिया में है तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कुछ और है या जर्मनी में कुछ और है, आप पूरे दुनिया में एक ही लॉ को पढ़ते हो साइंस के. ठीक है, तो ये तीन चीज़ जो है साइंस के लॉ हो गए. ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है साइंस के. अब हम इसे कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के साथ और देखेंगे क्या मैनेजमेंट में ये सारी के सारी चीज़ें आती हैं. तो सबसे पहले हमारा क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, अच्छा मैनेजमेंट में भी चीज़ें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में होती है कि नहीं, आपके पास जो है कई सारे जो है प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं के हिसाब से आपको काम करना है. तो मैनेजमेंट में पहला तो रूल आता है, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट में कई सारे प्रिंसिपल जो पहले से लिखी गई हैं. ठीक है, हम अगले लेसन में जो है पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें कई सारे प्रिंसिपल आते हैं, 14 प्रिंसिपल. और तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारे प्रिंसिपल जो होती हैं ये पहले से लिखी गई है, उन्हीं प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है मैनेजर जो है वो काम करता है. तो हमारे पास जो पहला साइंस का प्रिंसिपल है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये मैनेजमेंट में भी आता है. मैनेजमेंट में कैसा आता है बेटा, मैनेजमेंट में भी जो है जो प्रिंसिपल्स हैं वो बुक्स में पहले से लिखी गई है और उसी के देखते हुए मैनेजर जो है वो डिसीजन लेता है. अगला क्या है बेटा, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन.
तो जैसे साइंस में रिपीटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं, वैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी जो बनाया गया ना बेटा, वो भी ह्यूमन बीइंग पर एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है। अब साइंस में क्या होता है, वो जो एक्सपेरिमेंट होते हैं नेचर पर और केमिकल्स पर एक्सपेरिमेंट करके बनाया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट जो है इसमें एक्सपेरिमेंट किस पर किया जाता है, लोगों पर, ह्यूमन बिहेवियर पर किया जाता है। लेकिन क्या पूरे दुनिया में जितने लोग हैं सबका बिहेवियर एक ही है? ऐसा तो है नहीं, हर ह्यूमन का पर्सन टू पर्सन बिहेवियर चेंज हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन जो है ये पूरी तरह से मैनेजमेंट पर नहीं लागू होता। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो बदलता रहता है। ठीक है बेटा, तो ये जो है पार्शली होगा, पार्शली नहीं भी होगा। ठीक है, पहला वाला जो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है तो पूरा है, लेकिन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन कुछ हद तक तो है लेकिन पूरा नहीं कहेंगे। तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी में क्या है कि देखो वही चीज़ हमने बताया आपको, जैसे साइंस का लॉ जो है पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए एक ही होता है, लेकिन मैनेजमेंट का लॉ पूरी दुनिया में जाइए तो एक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर जगह लोग अलग अलग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होती है, सरकार अलग अलग होती है, तो उस अकॉर्डिंग टू द पीपल, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन द प्रिंसिपल्स आर मॉडिफाइड। देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यूनिवर्सली वैलिड। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो यूनिवर्सली वैलिड है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो तो ये तीसरा तो सीधा ही नहीं होगा। तो हमारे पास पहला पूरी तरह से होगा, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो है कंपेयर करेंगे साइंस से तो मैनेजमेंट से तो वो तो होगा, दूसरा आधा अधूरा होगा, तीसरा तो होगा ही नहीं। तो इस वजह से हम क्या आप कह सकते हैं क्या कि मैनेजमेंट पूरी तरह साइंस है? नहीं, मैनेजमेंट पूरी तरह तो साइंस नहीं है क्योंकि पूरा तो नहीं मैच कर रहा, लेकिन कुछ तो मैच कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इन एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, ये इन एग्जैक्ट साइंस है, साइंस तो है लेकिन पूरा साइंस नहीं है, थोड़े कुछ हद तक हम इसे बोल सकते हैं कि भैया हाँ कुछ हद तक ये साइंस है। क्लियर है? तो मैनेजमेंट एज ए साइंस आपको क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ आर्ट, देन वी कैन इजिली कंपेयर मैनेजमेंट विद देयर फ्यूचर। सो अगर बात करें आर्ट्स के बारे में तो आर्ट्स क्या होता है, तो द डेफिनेशन ऑफ आर्ट्स इज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इज नोन एज आर्ट्स। तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ मिलेगा, एक है नॉलेज, दूसरा स्किलफुल और तीसरा है पर्सनल एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी आर्ट हो, आप ड्राइंग करना जानते हो, आप डांस करना या आप गाना गाना, तो कोई भी आर्ट के लिए आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, बिना बेसिक नॉलेज के लिए आप कोई भी आर्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद दूसरा क्या बोलता है, स्किलफुल, आपकी स्किलफुलनेस होनी चाहिए और साथ में आपका पर्सनल एप्लीकेशन, आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, आप उसको कितना प्रैक्टिस करते हो, उसको कैसे अपने आप को मतलब सुधारते हो, तो उस ये सारे के सारे डिपेंड करता है कि आपकी आर्ट्स कैसी है। जैसे संगीत का सारे गामापा तो सब सीखता है, लेकिन उसी में जो कोई बहुत बड़ा संगीतज्ञ हो जाता है, कोई नहीं हो पाता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आर्ट्स में होती है। तो सबसे पहले अगर फीचर की बात करें तो सबसे पहला फीचर होता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। तो देखिए आर्ट्स में आपके पास क्या होता है, थियोरेटिकल नॉलेज होता है, जैसे संगीत में आपके पास सारे गामापा बेसिक संगीत के धुन ताल ये सब होते हैं, इसी तरह हर एक आप पेंटिंग करिए आप डांस करिए तो सब में एक छोटे मोटे स्टेप्स होते हैं, तो यहाँ पर थियोरेटिकल नॉलेज होता है आर्ट्स में। ठीक है, अगला क्या है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, पर्सनल जो है एप्लीकेशन है, तो हर एक आर्टिस्ट के पास अपना एक पर्सनल स्किल या क्रिएटिविटी होता है, वो उस क्रिएटिविटी के हिसाब से उसको यूज़ करता है। जैसे हमने आपको बताया संगीत के जो सुर होते हैं ये सबको सिखाया जाता है, लेकिन हर एक आर्टिस्ट जो है अपनी कैपेबिलिटी, अपने स्किल्स के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उसमें और सुधार लाता है। क्लियर है, अगला पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो यही चीज़ है, जो आर्टिस्ट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतने ज़्यादा उसके स्किल्स क्या होंगे, निखरेंगे। ठीक है, तो द मोर द आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट्स टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। अब बात करेंगे हम लोग मैनेजमेंट से, इसे कंपेयर करेंगे, तो सो नाउ वी विल कंपेयर दीज फीचर्स विथ मैनेजमेंट एंड सी दैट दस मैनेजमेंट इज ए आर्ट और नॉट। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो मैनेजमेंट में भी आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास है, आपके पास कई सारे प्रिंसिपल है, यू हैव मेनी प्रिंसिपल्स विच आर ऑलरेडी रिटन इन मैनेजमेंट बुक्स। ठीक, तो पहला तो होता है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो होगा ये होगा। अगला क्या होता है, पर्सनल एप्लीकेशन। तो ये क्या होता है, देखिए जैसे जो है
म्यूज़िक में आपके पास या जो है आर्ट्स में आपके पास सब जो जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं अपने पर्सनलाइज एप्लीकेशन के हिसाब से, मतलब अपने पर्सनलाइज स्किल के हिसाब से उसे और बेहतर करते हैं। इसी तरह मैनेजमेंट में भी क्या है, मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर है वो अपने पर्सनल जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को और बेहतर करता है। ठीक है, तो जो दूसरा पॉइंट है ये भी आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्या है कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, तो यही चीज़ फिर से वही चीज़ हो गया कि जो मैनेजर होता है वो अपने मैनेजरल स्किल और एफिशिएंसी के हिसाब से, उसके पास बार बार अलग अलग चुनौती आती है, उसके बार बार अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को वो डील करता है प्रिंसिपल्स को देखते हुए, उसमें मॉडिफाई करते हुए। तो इस वजह से क्या होता है, वो जितना चीज़ों को डील करता है, वो जितना नए नए प्रॉब्लम्स को फेस करता है, उतने उसके में एफिशिएंसी आती है, उतना एफिशिएंसी उसमें इंक्रीज़ होता है। तो ये तीसरा पॉइंट में आता है। तो इस हिसाब से हमें देखा जाए तो मैनेजमेंट के पास जो है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज भी होता है, उनके पास पर्सनलाइज एप्लीकेशन जो है मैनेजर वो करता है, तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी भी होती है। तो कुल मिला के इन तीनों को देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह आर्ट्स है। तो हमने देखा साइंस को, हमने देखा आर्ट्स को, हमने साइंस को देखा तो हमने क्या बताया कि मैनेजमेंट जो है पूरी तरह साइंस नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट पूरी तरह आर्ट है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्या मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशन है कि नहीं। तो ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।